स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं आपको डोमाल 2765 सीरीज की ब्लैक कलर की विंडो। ब्लैक कलर की विंडो कैसा लुक देती है तो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, और बताएंगे इसकी कॉस्ट के बारे में और इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से विंडो बनाई जाती है, ग्लास का साइज किस तरीके से लिया जाता है, तो इसका भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम गवाए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने माल की जो मटेरियल जो हमारा है विंडो का, हमने उसकी कटिंग कर ली है। अब इसको कटिंग करने के बाद इसमें फाइल लगा लेते हैं और इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा दूंगा, यानी कि 10 मिनट में आप विंडो बनाना सीख जाएंगे, यानी कि 2765 की सीरीज की विंडो आप बनाना बिल्कुल सीख जाएंगे। आपको किसी भी तरीके की कोई झंझट इस विंडो को बनाने में नहीं होगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग करने के बाद एंगल को जोड़ने का प्रोसेस होता है, जो कि हम यहाँ पर एंगल में देख सकते हैं होल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो ये भी प्रोसेस आप देख सकते हैं, होल करने के बाद इसको लगाया जाता है। यहाँ पर मैं अगर स्क्रू की बात करूँ तो यहाँ पर 6/13 का स्क्रू, यानी कि 1/2 इंची का स्क्रू का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। पूरा प्रोसेस बताएँगे क्या क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है उसके बारे में बताएँगे दोस्तों यहाँ पर। और अगर एंगल की बात करें तो लगभग हमारा जो होता है इसमें, वो हमारा जो कि 1 इंची की एंगल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं हम इसमें 1 इंची का एंगल इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं, और ब्रश का अगर नंबर की मैं बात करूँ तो 7.5 का जो नंबर का ब्रश आता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, यानी कि डोमाल में अगर ब्रश डाल रहे हैं आप तो 7.5 का जो कि इसका नंबर होता है उस ब्रश का आप इस्तेमाल करेंगे इसको अंदर डालने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्रश डाल रहे हैं, ब्रश लगाने का प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी मैं एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर जब जोड़ते हैं एंगल के साथ साथ एक चीज़ और लगाई जाती है, आप नीचे पत्तियाँ देख रहे हैं, तो पत्तियाँ क्या होती है, पत्तियाँ कोने पर लगती हैं ताकि हमारा जो सेक्शन है, यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ पत्तियाँ किस तरीके से लगती हैं। तो ये देख सकते हैं ये पत्ती हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इस पत्ती का बेनिफिट क्या होता है, पत्ती का बेनिफिट ये होता है कि जब ये जो कलम होती है, यानी कि हमारी जो डिग्री होती है, क्या होता है कि सेक्शन आगे पीछे होने के चांसेस होता है हो जाते हैं विंडो बनने के बाद। अब क्या है, अगर इस पत्ती को यहाँ पर देख सकते हैं, इस पत्ती को अगर हम लगा देते हैं तो हमारी जो डिग्री होती है वो आगे पीछे नहीं हो सकती, बिल्कुल मैच हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप वीडियो में, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम जो हमारी डिग्री है वो बिल्कुल मैच हो चुकी है, और जब जोड़ेंगे तो इसमें आगे पीछे सेक्शन होगा ही नहीं, तो डिग्री जो हमारी होगी वो वहीं पर सेट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसको जोड़ने से पहले व्हील डाल लेते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद इसमें व्हील नहीं लगाए जाते, तो जोड़ने से पहले ही इसमें व्हील हम डाल लेते हैं। और व्हील की क्वालिटी भी 2 तरह की आती हैं, लो कॉस्ट होते हैं, हाई कॉस्ट होते हैं। तो छोटी विंडो में आप लो कॉस्ट व्हील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी विंडो में आपको हाई कॉस्ट के व्हील इस्तेमाल करने होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम ट्रैक को जोड़ लेते हैं। ट्रैक को जोड़ने के लिए इसमें ऐसा कोई अलग से कोई पत्ती नहीं लगानी पड़ती, जैसा कि हमने अभी 2765 का जो हैंडल था उसमें दिखाया था, उसमें पत्ती लगानी पड़ती है एंगल के साथ साथ। तो इस ट्रैक में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर सीधे सीधे एंगल पे इसको जोड़ लेते हैं। अगर एंगल की बात करें तो एंगल इसमें आप 2 से 2.5 इंच का एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग करके 3 इंच का भी आप एंगल इसमें लगा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा आप इसको कम ही रखें। यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री हमारी कितनी परफेक्ट मिली है। मशीन से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है दोस्तों, मशीन अगर आपकी अच्छी होगी तो मशीन से भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से मिली हुई है। पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको, इस गिलास का साइज़ भी दिखाएंगे। तो अभी विंडो का मैं साइज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लड़का बता भी रहा है आपको क्या क्या साइज़ की ये विंडो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विंडो की हमने चौड़ाई नाप ली है और इसकी हाइट भी नाप ली है। पल्ले तीनों देख सकते हैं, तीनों पल्ले रेडी हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, हम व्हील को जो फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्रू लगा देते हैं। 6/25 के स्क्रू का इसमें इस्तेमाल किया जाता है फिक्स करने के लिए। अब हमारे व्हील फिक्स हो चुके हैं, अभी मैं दूसरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अब पल्ले हमारे बन चुके हैं। अब इसको एक बार ट्रैक में डालकर चेक कर लेते हैं किसी भी तरीके
कोई प्रॉब्लम तो हमारी विंडो में नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं विंडो हमारी परफेक्ट है और पल्ले भी हमारे परफेक्ट हैं, तो किसी भी तरीके की कोई विंडो में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जो कि साइज मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, जिन साइज को मैं बताता हूँ वो परफेक्ट होते हैं, आप उस साइज को ना आपकी विंडो बना दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर देख सकते हैं लॉक की कट, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं और कटिंग के लिए भी हम साइज आपको यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने जो कि कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम बड़े स्टार लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि 7 इंच का स्टार लॉक भी आता है और 8-8.5 इंच का स्टार लॉक भी आता है, तो हमेशा आप बड़े स्टार लॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, विंडो काफ़ी अच्छा लुक देती है। छोटे स्टार लॉक्स में वो बात नहीं होती, इसलिए बड़े स्टार लॉक्स का आप इस्तेमाल कीजिए जो कि अच्छी क्वालिटी हो और लाइफ टाइम किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उनमें ना आए। मेंटेनेंस प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगती है अगर आप लोकोस्ट के स्टार लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने खांचा काट लिया है, अब खांचा काटने के बाद इसमें स्टार लॉक लगा देंगे और स्टार लॉक लगाने के बाद अगला प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे जो कि हमारा होता है इंटरलॉक पत्ती और इसकी लॉक करने का सिस्टम। यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टार लॉक को लगा दिया है, सीधे सीधे खांचा करने के बाद इसमें कोई स्क्रू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों गिलास का साइज है और विंडो का साइज भी दिखाएंगे, पल्ले का साइज भी दिखाएंगे। हालांकि चौड़ाई में क्या है कि ये आपको 3 सूत बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 9 mm के आसपास इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये शीशा थोड़ा छोटा कटा हुआ है, तो आपको कम से कम 9 mm के आसपास इसको बढ़ाना पड़ेगा, छोटा कटा हुआ है शीशा। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस है अगला हमारा, ग्लास को इसके अंदर डाल लेते हैं। अभी मैं इसका साइज भी दिखाऊंगा पल्ले का, दोस्तों पल्ला रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या है कि ये पुश रबर लगा रहे हैं ताकि हमारे गिलास में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देख सकते हैं गिलास को किस तरीके से फिक्स किया जाता है। हालांकि हमारी जो डोमाल सीरीज होती है इसमें 8 mm तक का गिलास आप आसानी से लगा सकते हैं, मगर गिलास के साथ आप फिर रबड़ नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 5 mm का हमारा प्लेन गिलास है और इसमें रबड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर रबड़ की बात करें तो ये हमारी 50 नंबर की रबड़ है जो कि बहुत ही आसानी से इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं लड़का रबड़ लगा रहा है। अभी मैं पल्ले का साइज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पल्ले को नाप लिया है। पहले हमने गिलास का साइज़ नापा था, उसमें आपको जो कि 9 mm बढ़ाना है क्योंकि वो छोटा गिलास कटा हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं पल्ले का साइज और अभी मैं इसकी हाइट भी नाप कर आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये पल्ले की हाइट है। उसी हिसाब से आप कभी भी गिलास का नाप लें तो अंदर सीधे पल्ले के अंदर आपको इंच टेप डालना है और उससे 1 इंच आपको बढ़ा लेना है, चाहे वो विड्थ हो चाहे वो हाइट हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो कि डोर्स में लॉक लगने के बाद इस पत्ती को लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी जो है लग सके। यहाँ पर देख सकते हैं हम पत्ती को लगा लेते हैं, अभी हमारी पत्ती लग चुकी है और इसको अभी हम क्लोज करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर डोमाल विंडो की कॉस्ट की बात करें, अगर हमारी बड़ी विंडो है तो लगभग जो हमारी कॉस्ट आती है वो लगभग 550 रुपये स्क्वायर फीट टफन ग्लास के साथ आ जाती है, और अगर छोटी विंडो है, छोटी विंडो लगभग 700-800 रुपये स्क्वायर फीट में बनाई जाती है, लाइक 3x3 की अगर विंडो है तो 3x3, 3x4। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटरलॉक पत्ती होती है जो कि हमारा गैप कवर करती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटरलॉक पत्ती है, ये गैप कवर करती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। यानी कि पल्ले लगाने के बाद क्या है कि इसको अलग से एडिशनल ये अलग से लगाई जाती है, जैसे कि बॉम्बे स्लाइडिंग में इंटरलॉक होता है वैसे इसमें इंटरलॉक नहीं होता, तो अलग से इसका इंटरलॉक पत्ती होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरलॉक पत्ती को लगा रहे हैं ताकि हमारे गैप कवर हो जाए और जो कि मच्छर वगैरह कोई भी चीज़ या धूल वगैरह डस्ट वगैरह अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी हम इसको लगा देते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं इंटरलॉक पत्ती लगाई जा रही है, हमने एक पल्ले में लगा दिया है, अब इस पल्ले में भी हम लगा लेते हैं। अभी विंडो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, विंडो में अब कुछ नहीं रहा, टोटली विंडो कंप्लीट हो चुकी है और प्रोसेस आप इसका सीख चुके होंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है, कौन सा स्क्रू लगता है, साइज क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।